पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रली न्यूज, मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का अंतिम चरण समाप्त हो गया। आज 5 बजे तक शाहजहांपुर जनपद में 49.92% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद तथा भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें शाहजहांपुर में चुनाव पूरी तरह शांति के साथ संपन्न हुआ। आइए इसी के साथ देखते हैं चुनावी हलचल। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरी तरह शांति रही। अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। शाहजहांपुर में कुछ जगह फर्जी मतदान करने वाले 1-2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और हिरासत में ले लिया। नगर निगम शाहजहांपुर के बाड़ूजई प्रथम में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को उस समय हिरासत में ले लिया जब फर्जी मतदान को लेकर विवाद हो रहा था। चिनौर क्षेत्र में भी वोट न डालने देने की शिकायत पर भाजपा नेता पहुंचे और अपने मतदाताओं के वोट डलवाए। बाड़ूजई प्रथम में व्हीलचेयर पर बैठकर एक दिव्यांग युवक वोट देने आया, वहीं जलालाबाद में भी 107 वर्षीय वृद्ध ने भी वोट डालकर चुनाव में भाग लिया। जलालाबाद में शाम 5 बजे तक 55.60% मतदान हुआ। यहां 5 बजे तक 18,442 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अल्लागंज में सर्वाधिक 64.96% मतदान हुआ। इसी प्रकार पुआया में 63.62% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान शाहजहांपुर नगर निगम में 44.2% मतदान हुआ। जनपद शाहजहांपुर में 5 बजे तक कुल 3,06,681 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं चिनौर के गोटिया में फर्जी वोट डालने वालों को महिलाओं ने पकड़ लिया, जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए? जैसे कि आप देख रहे हैं, इस्लामिया में काफ़ी फोर्स भी तैनात है, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट भी यहाँ है। मतदान यहाँ हो रहा है, लगभग 4-5% मतदान हुआ है भी। और बाकी उसको बता दिया गया कि कायदे से देख के वोटर को चेक करके ही अंदर जाने दो, तो स्याही वही जो लगती है उसको कोई मिटाने न पाए, हर तरह के निर्देश हमको दे दिए गए। अन्य और क्या कुछ निर्देश हैं कि जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ हैं उन पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं? वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी असंवेदनशील बूथ हैं वहाँ इंस्पेक्टर और महिला सिपाही दरोगा ये सब लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं स्टेटिंग मजिस्ट्रेट में लगाए। जिले में सर कुल कितने बूथ हैं, कितने मतदाता इस बार मतदान? आपको पहले बताया जाएगा, 654 बूथ हैं पूरे जिले में और 325 बूथ हैं हमारे नगर निगम में, जहाँ EVM से कास्टिंग होगी। हमारी पार्टी का ऊपर जो एजेंडा है वो सुशासन और विकास का एजेंडा है। पूरे प्रदेश में सुशासन और नीचे रख लो, क्या नाम तुम्हारा? समय हो गया लगातार यही कोशिश है प्रदेश हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुँचे। आज उसी के निमित्त नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। इस दूसरे चरण में शाहजहांपुर भी शामिल है। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है पार्षदों के साथ। जो माहौल दिखाई पड़ता है उससे ये निश्चित है कि शाहजहांपुर की सीट आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। शाहजहांपुर के लोग चाहते हैं कि केवल डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और उसी आधार के ऊपर हमारा भी यही एक ही मात्र एजेंडा है कि हर तरह से शाहजहांपुर में हर गली कूचे में विकास दिखाई पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने अपने बूथ पर पहला वोट डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शाहजहांपुर के लोग डेवलपमेंट के आधार पर ही वोट देंगे और पार्षदों के बहुमत सहित
हमको बड़े पैमाने पर जीत दर्ज कराएं। नगर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान कराने के लिए जाली आधार कार्ड बनाते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शाहजहांपुर के कांट थाना को गोपनीय शिकायत मिली कि कुछ लोग फर्जी मतदान के लिए जाली आधार कार्ड बना रहे हैं। पुलिस ने छापा मारकर 3 अभियुक्तों मुबीन, एहसान, जफन को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 44 असली आधार कार्ड व 55 फर्जी आधार कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर सहित कई मोबाइल फोन व कुछ पर्चियां आदि बरामद की हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। नगर निकाय के जो मतदान चल रहे हैं उसमें थाना कांट को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक सूचना क्रेडिबल इंटेलिजेंस ये मिली कि क्षेत्र में एक जगह प्रिंटर से फर्जी आधार कार्ड निकाले जा रहे हैं, जिसके आधार नंबर एक ही हैं और लेकिन उसमें नाम पते और फोटो अलग अलग हैं। इस सूचना पर वहां दबिश दी गई और वहां 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं थाना कार्ड की पुलिस द्वारा, मुबीन, एहसान और जफर। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल तक की है और ये सभी थाना कार्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन्स, 44 जो असली आधार कार्ड हैं वो मिले हैं, 55 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, वोटर लिस्ट मिली है, वोट की पर्चियां मिली हैं और लैमिनेशन मशीन बरामद की है। ये इनको विभिन्न लोगों द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और इनको ये बताया गया कि इस नंबर, इस नाम पते के जो वोटर लिस्ट में है, नाम पते के आप फर्जी आधार कार्ड बना के दे दो। तो उस आधार पर ये इस तरह का गलत कर रहे थे। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना कार्ड में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसको अन्य लोगों को भी संज्ञानित किया गया है और जगह जगह जहाँ हमारी फोर्स जा रही है उनको बताया गया है कि अगर इस तरह कोई फर्जी आधार कार्ड लेकर अगर आएगा तो उसके विरुद्ध